दोस्तों आज का जो वीडियो हो रहा है काफी छोटा होगा और काफी इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि ऐसे किसान के पास आए हुए हैं जो कि बकरी पालन करते हैं और बकरी पालन के साथ साथ इन्होंने लगभग 150 मुर्गी पालन चालू किया है और काफी समय पहले से कर रहे हैं। और 150 मुर्गी मात्र 200 स्क्वायर फीट में पालन करते हैं और इनका जो पहला लॉट था दूसरा लॉट था इन्होंने 100 मुर्गी से स्टार्टिंग किया था और 100 मुर्गी का जो प्रॉफिट आपको बताएंगे हम तो जानकर के हैरान हो जाएगा। इनका जो कहना है कि 100 मुर्गी से इन्होंने 50,000 तक कमाया है, वो भी डबल एफ सी का मुर्गी पालन कर रहे हैं। तो आज आइए आपको इसी किसान भाई से मिलाते हैं और देते हैं जानकारी कि कैसे एक छोटे से जगह में छोटे से लॉट में एक अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं, कितना समय लगता है, क्या खिलाते हैं, इसके विषय में बात करते हैं। तो सर नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। हम आपका एक गोट फार्म का वीडियो रिकॉर्ड किए और साइड में ही देख रहे हैं कि आप एक छोटे से जगह में मुर्गी पालन काम कर रहे हैं और आपका का नाम है कि छोटे से मुर्गी फार्म से छोटे से जगह से आप लगभग 50,000 तक कमाते हैं 100 बर्ड पे, ठीक है। तो ये कैसे मुमकिन है, क्या बेनिफिट इसमें होता है, क्या खिलाते हैं और जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं वो कैसे अपना प्रॉफिट उतना बना सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अपना सुझाव दीजिए। देखिए मेरा नाम साहब है, 180 स्क्वायर फीट में मैंने 100 बर्ड डाला। अच्छा, 100 बर्ड डाला तो इसमें मैंने सब कुछ काट छाट के हिसाब से मेरे घर से 50,000 के आसपास में मेरा प्रॉफिट हुआ था। आपका पहला लॉट। और ये जो आपका हम लॉट देख रहे हैं डबल एफ जी का ये लॉट है, ये कौवा लॉट है, इसके पहले आप कितना लॉट बेच चुके हैं? इससे पहले हम दो लॉट बेच चुके हैं। तीसरा लॉट चला है। जी, तो हम जानना चाहेंगे सर आप कितने दिन का बच्चा लाते हैं, कितना दिन तैयार करते हैं और कितना दिन तैयार करने के बाद सेल करते हैं, थोड़ा शुरू से बताइए सर। हम ये जो है ना बिल्कुल बच्चा नहीं लेकर नहीं आते हैं जी, अभी हम 300-400 ग्राम के लेके आते हैं। इससे पहले जो हम डाले थे तो 700-800 ग्राम का डाले थे जी, लेकिन अभी हमने ये 300-400 ग्राम का लेकर डाला है जी। और ये 4 महीने में मेरे को लगता है कि 3 किलो से ऊपर ही जाएगा। तो सर ये जो बच्चा आप 300-400 ग्राम में लाते हैं ये कहाँ से लाते हैं और क्या रेट आपको पड़ता है लाने में? ये एक दोस्त है हमारा बढ़रिया के पास माधोपुर में जी, उसी के पास से लेके आते हैं जी। और 300-400 पहले तो 142 रुपये किलो लेके आया था, केजी के हिसाब से लाते थे। केजी के हिसाब से जी, लेकिन अभी जो हम लाए हैं तो छोटा था इसलिए उसने केजी पर ना देकर हमको पीस पर दिया जी, तो 80 रुपये पीस पर लेकर हम 300-400 ग्राम का। हाँ, 300 कहने के जो मार्केट रेट होता है वही रेट आप उठा करके लाए हैं? हाँ, वही लेके। तो वो रेट जब लाते हैं तो लाने के बाद सर आप 100 स्क्वायर फीट जो हम जगह अभी देख रहे हैं इसी में रखते हैं? हाँ, बस और मात्र 4 महीने ही अपने पास रखते हैं सर? हाँ, ठीक है। और 4 महीने में इनको क्या खिलाया जाता है कि इनका वो जो है क्या खिलाते हैं? अभी हमने लाया था तो उसमें बीसी एक आता है जी, वो एक बोरा हमने लेके आया 50 किलो का, एक बोरा और 1.5 क्विंटल ये मक्का डाला जी, मक्की का दाना और मिक्स करके वो भी खिलाया। अच्छा, खत्म हो गया तो उसके बाद हम दाना देना अपना जो घर का दाना होता वही खिलाते हैं, मक्का दाना और बरा मिक्स करके और दो घंटा शाम को रेंज में रखते हैं। ये जो देख रहे हैं रेंज में भी घूम रहा है। अच्छा, ये फ्री रेंज में भी घूम करके चल लेती है और अच्छा खासा इनका वेट गेन आ जाता है। आपने सर बताया कि आप दो लॉट पहले निकाल चुके हैं जो 100-100 बर्ड का था, तो उसमें आप बता रहे हैं कि 4 महीने में लगभग 50,000 तक आपका बचत हुआ था। हाँ, ये सच्चाई है? सच्चाई है जी। तो सर अगर बात करें कि अभी 150 बर्ड आपके पास है, आपने बताया कि आपने क्वांटिटी इस समय बढ़ाया हुआ है और 150 बर्ड आपके पास है, तो 150 बर्ड में अगर बात करें कि पर डे का दाना का खर्चा कितना जाता है? तकरीबन 4 किलो 4.5 किलो के आसपास में हम देते हैं, कोई वजन करके तो हम देते नहीं है, 4-5 किलो के आसपास में हम देते हैं एक टाइम में। दो टाइम मिलाकर 8-10 किलो अभी दाना दे रहे हैं, 10 किलो खाता है। उसके बाद ये फ्री रेंज में जो रखते हैं सबसे फायदा हमको इसी मिलता है, फ्री रेंज में होता है। फ्री रेंज में ये घास वास खा के फ्री रहती है पूरा फिर के उसके बाद से ये। अच्छा सर, हम आपका देख रहे हैं कि अच्छा खासा आपका गोट फार्म है, 50+ आपके पास गोट्स है और आप उनके बारे में भी छोड़ते हैं इनको चरने के लिए, तो आपके मतलब गोट्स का भी कुछ सहायता होता है इससे, कुछ फायदा होता है इससे? हाँ, ये सहायता होता है। फायदा ये है कि मान लीजिए ये गोट्स है तो ये जो मैगनी वगैरह करती है जी, तो इसमें कीड़ा वड़ा उत्पन्न होता है जी। ये होता है कि ये सब चल के अंदर जी अंदर जाती है, सब कीड़ा मकीड़ा जितना होता है सब चुन चुन के खा जाती है जी। ये फायदा हमको ये होता है जी, इसमें किसी तरह कीड़ा वड़ा मकड़ा कभी हमको मिला ही नहीं, ये सब साफ कर देती है। तो अभी जो हम बर्ड देख रहे हैं इसको लाए हुए कितना
टाइम हो गया और इसको फिर नेक्स्ट कब प्लान है, कब सेल कीजिए? अभी हमने सितंबर 2-3 सितंबर को लाया था जी, 2 या 3 तक जी, और यानी 1 जनवरी तक ही हम निकाल देंगे। 1 जनवरी तक ये पूरा बर्ड निकालिएगा। और एक बर्ड जो आप बेचते हैं सर, जैसे कि 3 किलो 4 महीने में आराम से आ जाता है वजन, 3 किलो से ज़्यादा ही आता है, तो एक बर्ड आपका कहाँ सेल करते हैं और क्या रेट जाता है? ऐसा है कि हम लोग देहात एरिया है जी, यहाँ पे गांव से आते हैं जी, 2-4 ऐसे करके लेके जाते हैं। अब होली में है चाहे ये 1 जनवरी है, तो पिछली बार 1 जनवरी में मेरे पास 70 एक ही दिन बिक गया, एक ही दिन में 70 बिक गया, 70 पीस बिक गया। अच्छा, तो ये मतलब आपका 1 जनवरी का टारगेट होता है और बाकी लोकल मार्केट में भी अच्छा रेट मिल जाता अच्छा है, रेट मिल एक दो खरीदने वाले भी आपके पास रेगुलर लोग हैं। हाँ। तो कितना रुपए तक बेचते हैं एक बर्ड? एक कोई मान लीजिए दोस्त साथी आता है तो 800-900-1000, ये 3 रेट में चलता हाँ। है तो मतलब 3 किलो से अबव मुर्गा जो होगा 800 से लेकर के 1000 में सेल किया जाता है जी। एक मुर्गे पे पूरा तैयार करने में कितना लागत कॉस्ट गिरता है और एक मुर्गे पे कितना फायदा आप कमाते हैं? एक पर तो किसी तरह 400-500 रुपया तो बच ही जाता है, एक मुर्गे पे 400-500 रुपया बच जाता है, तो आप 100 मुर्गा पाल करके भी 50,000 तक बचा लेते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे ही बचता है। और इस बार तो आपका 150 है, और 150 मुर्गी पे क्या उम्मीद सर हम रख सकते हैं कि कितना बचा लीजिएगा आप? अच्छा प्रॉफिट होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा, इससे भी जो है ना इसे अच्छा प्रॉफिट उससे भी ज्यादा। हाँ, और काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि कई किसानों का अगर हम बताते हैं कि इतना इनकम होता है पोल्ट्री में तो विश्वास नहीं करते हैं। आप खुद एक नए फार्मर हैं, 1.5 साल पहले आपने स्टार्ट किया और 1.5 साल से ही लगभग ही बाहर आप कमाते थे और मुर्गी पालन और बकरी पालन में आए, और बकरी पालन से भी आपका इनकम चालू हो गया और मुर्गी पालन से एक अच्छा इनकम आप ले ही रहे हैं। अच्छा इनकम है, किसानों के लिए आप मिसाल हैं। और जिस भाइयों का कुछ डाउट होगा वो सर का नंबर हम दे देंगे, आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं इनसे, फोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर आपका। मुर्गी पालन हो रहा है और सामने ही एक शेड भी है जो कि मात्र 180 स्क्वायर फीट का शेड है, इसमें ही सब मुर्गियाँ रहती है, और एकदम छोटे से फार्मिंग से एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। कहने के जो बड़े फार्मर नहीं कमा सकते हैं वो सर कमा रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। तो अगर आप बकरी पालन, डेयरी फार्मिंग, कोई भी प्रकार का फार्मिंग कर रहे हैं तो साथ में मैं गुजारिश करूँगा कि आप तो कुछ समय और कुछ टाइम दीजिए पोल्ट्री फार्म पर भी, और एक छोटे लॉट में पालन कीजिए, उससे एक अच्छा बेनिफिट आपको होगा। और लोकल मार्केट टारगेट कीजिए, लोकल मार्केट में एक अच्छा रेट आपको मिलता है। और सर का जैसा कि 100 बर्ड पाल करके भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट, अगर 50,000 भी बोला जाए, 50,000 कम नहीं होता है, और इस बार इनका 150 वर्ड है, 150 वर्ड से भी 50,000 से प्लस इनकम होगा। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि छोटे से छोटे किसान के पास जा सके, और छोटे से छोटे किसान जो एक रूम के साइज से भी इतने का इनकम कर सके, रूम के साइज में भी मुर्गी पालन कर सके और उससे भी एक अच्छा प्रॉफिट बना